प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे और उपयोग में करीब 8.5 एकड़ कुल क्षेत्रफल के एक दर्जन भूखंड हैं और ये धन शोधन रोधी कानून के तहत अपराध से अर्जित आय से बने हैं। इस मुद्दे पर सोने ने दलील दी है कि ये भूखंड छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आते हैं और इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। रांची में विशेष नियमन अधिकारी ने 29 जनवरी को इसके मूल मालिक को इसका कब्जा बहाल किया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन से हासिल किए गए दस्तावेज को उन्हें फंसाने और गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता।